खबरों की नई पहचान। झरिया थाना क्षेत्र के बनिया ही नंबर 4 निवासी 32 वर्षीय सोबराती खान की हाईवा चपेट में आने से शुक्रवार को मौत हो गई। घटना के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि बनिया हिल से रक्षा काली मंदिर लोधना की ओर जाने वाली सड़क, जहां से हाईवा का अवगमन 24 घंटे चालू रहता है, उसी रास्ते पर सोबराती खान सोच के लिए गए हुए थे, लेकिन हाईवा की चपेट में आने से वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में देखा, आनंद फानन में प्रसाद नर्सिंग होम ले गए, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे PMCH रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक के माता पिता नहीं है, उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। वही घटना में गुस्साए स्थानीय लोगों ने 5 हाईवा का शीशा तोड़ दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोड पर अक्सर हाईवा तेज रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह से आज यह घटना घटी है। गलत तरीके से यहाँ पर हाईवा का परिचालन होता है। यह एक ग्रामीण सड़क है जिस पर हाईवा का अवगमन गैर कानूनी है, मगर जिला प्रशासन के द्वारा छूट मिलने के बाद यहाँ हाईवा बेधड़क तेज रफ्तार से रोड पर लोगों की जान लेने के लिए फराटा भरती रहती है। बताइएगा यहाँ पर क्या कुछ है? यहाँ पे एरिया 10 को BCCL को ले रही है, वहाँ से हाईवा से एक्सीडेंट हो गया। सुब्राती नाम का एक टेम्पो चालक था, बेचारा गरीब आदमी था, 35-35 वर्ष की उम्र का नौजवान आदमी था। और स्थिति यह है कि उम्मीद तो सब पर रहता है, मगर उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो बच सकता है। इस तरह का एक्सीडेंट हाईवा डेट कर लेगा, हाईवा के द्वारा एक्सीडेंट करके मृत्यु हो गई है। और गांव वाले लोगों का मांग है कि इससे पूर्व में भी बहुत कितने दिनों से यहाँ पर हाईवा के अनजान शुरू हो रही है, ये महीना भर से ही दुर्गा पूजा। कभी भी किसी प्रकार के आप लोग की ओर से विरोध? वही तो कह रहा हूँ ना कि गांव के लोग का ये डिमांड था, GM से भी बात हुआ था, BCCL मैनेजमेंट से, प्रशासन को भी लिख करके दिया कि यहाँ पर क्या लिखित तौर से आप लोग मांग किया दिया है, लोग मांग किया है, मैंने प्रशासन को भी दिए थे, दिया गया किस कहाँ पर प्रशासन में धन्यवाद DC उपायुक्त महोदय को दिया गया है, SDO को दिया गया है, लोकल प्रशासन थाना को दिया गया है। उनकी ओर से क्या आप लोग को? गांव वाले लोगों का डिमांड है कि इस रास्ते से जो गांव का रास्ता है यहां से हाईवा बंद किया जाए, यही डिमांड है। और जो मृत परिवार है उसको अधिक से अधिक मुआवजा ट्रांसपोर्टर के द्वारा दिया जाए, यही गांव। क्या लगता है ये अनजान हाईवा की बंद होगी? निश्चित रूप से मौत के आगे प्रोटेक्शन नहीं, इंसान का पहले जीवन है उसके बाद प्रोटेक्शन है। अगर नहीं बंद होती है तो क्या आप लोग क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से गांव के लोगों को लेकर के जोरदार आंदोलन होगा इसके लिए। ये किसका जो मैंने कि हाईवे जो चल रही है, किसके देखरेख से चल रही है? BCCL में चल रही है, बहुत सारा की ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रांसपोर्टर है, तीन चार। कौन सा ट्रांसपोर्टर का है? अभी उसका पता लगाया था। क्या नाम हुआ अपना? शमशेर आलम। दिन भर हाईवा हाई स्पीड में आ रहा है, जा रहा है। ये कब से हाईवा जो है कि यहाँ से चालू की गई? ज्यादा नहीं, लगभग 2-3 महीने से चालू हुआ ये रोड। मैंने आज क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो कि इतना भीड़ भाड़ के अंबार बनी हुई? भीड़ भाड़ के यहाँ एक्सीडेंट करके गया हाईवा वाला, वो पकड़ाया भी नहीं, मारते हुए सीधा। क्या सूचना मिल रही है, क्या जो आदमी एक्सीडेंट हुई है, क्या सूचना मिल रही है, क्या स्थिति अभी? सूचना तो यही मिल रही है कि लगभग चांसेस बहुत 80% कम था। मैंने क्या हाईवे की चपेट में आई है वो? किधर से आ रहे थे जो हाईवे की चपेट में आई है? भागा तरफ था। मैंने अचानक वहाँ हाईवे इधर से निकला। ये हाईवे कहाँ से आ रहे हैं? हाईवा यहाँ कोई कोलियरी से आता होगा, यहाँ माल लेने के लिए बड़ारी से आता है, बड़ारी से। इसकी जिम्मेवारी कौन होते हैं? इसका ये जो चालू किया रोड को भी BCCL प्रबंधक और यहाँ जो भी हाईवा का ट्रांसपोर्टिंग है वो लोग। क्या इसमें प्रशासन में जिम्मेवारी कहलाते हैं, घरे में आते हैं? जिम्मेवारी तो उसका प्रशासन को पूरा 100% लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रोड नहीं था। अभी इस मुख्य रोड को अथी अगर बंद करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बस इसी को, रोड को ही बंद करना चाहिए सबसे पहले ही, क्योंकि ये मेन रोड नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयदेव बुरा। सही बात। K News खबरों की नई पहचान।